जय श्री कृष्ण। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा एवं अटके हुए कार्य प्राप्त होंगे। यदि आपका काम बिगड़ता है तो आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करना श्रेष्ठ और लाभकारी है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपको आज के दिन कोई ऐसे अजनबी लोगों से मुलाकात या भेंट होगी जो आपको नए काम की ओर अथवा जो आपने नहीं सोचा था ऐसा काम हो सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी बढ़ सकती है और आपको सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन शनि अढ़ैया का प्रभाव लोहे पात से चल रहा है, इसलिए आप मोती रत्न धारण करें। भगवान शिव जी की अथवा चंद्रमा की आराधना आपके लिए उत्तम कारक है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय हो सकता है, आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति भी होगी। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन विद्या अध्ययन में आपकी रुचि रहेगी, मांगलिक शुभकामनाएं आपके हाथ से हो सकती हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपका जनजीवन आज उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है एवं कोई अटका हुआ काम भी हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आप पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित थे तो नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन यही व्यापार आदि के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं और आपका काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन मान से सचेत सतर्क रहना है, अजनबी लोगों से दूर रखना है। दो नंबर के किसी भी प्रकार का व्यापार से आपको आज बहुत दूर रहना है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को लॉटरी जुगा सट्टा इत्यादि से आपको हानि हो सकती है, ये सब कार्य ना करें। नीलम रत्न धारण करें, श्री हनुमान जी ओम प्राम प्रीम प्रूम सम सनसराय नमः इस बीज मंत्र का जप करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय हो सकता है, घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध, शत्रु परास्त होंगे, कठिन परिश्रम करने पर कोई नई सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।